हेलो गाइस, आज है गणपति पापा का थर्ड डे और हम निकल चुके थे अपने पापा के लिए वन ऑफ द बेस्ट चीज़ों में से एक और चीज़ लेने और हम पहुंच गए थे जानी फरसान। अब सूरत के जितने भी फूडीज़ होंगे मुझे नहीं लगता उनमें से किसी को भी जानी फरसान का नाम पता नहीं होगा। यहाँ पे हमने जो भी चीज़ें ट्राई की उसका रिव्यू हमारा एकदम जेन्युइन रिव्यू होगा। और हम जैसे ही हम ये वीडियो ले रहे थे ना, तो ये भैया हमें ऐसे घूर रहे थे कि अरे मैडम एक बार पूछ तो लो कम से कम वीडियो लेने के पहले। वैसे सही बात है, हमें पूछना चाहिए था, पर क्या कर सकते हैं, इतना तो चलता है। अब बस हम यहाँ पे अपना प्रसाद लेके निकल पड़े थे वापस अपने पापा के पास। और पापा के पास पहुँचते ही हमने उन्हें चढ़ा दिया भोग। और पापा भी सोचते होंगे कि मैं जब नीचे इनके यहाँ जाता हूँ तो ये मुझे कितनी टेस्टी टेस्टी और कितनी अलग अलग चीज़ें खिलाते हैं, मम्मा तो मुझे ये सब नहीं खिलाते हैं। तो इससे बस ये प्रूव होता है कि हम सबके मम्मा एक ही जैसे होते हैं, वो हमको बाहर का कुछ खाने ही नहीं देते। भगवान को प्रसाद चढ़ाने के बाद अब बारी थी हमारे प्रसाद टेस्ट करने की। और जैसे ही मैंने ये खाया, द फूड वॉज अमेजिंग गाइस। इसका टेस्ट इतना ज़्यादा अच्छा था कि मैं बता नहीं सकती हूँ। ये ठंडा होने के बाद भी इतना यम्मी लग रहा था। इनकी जो क्वालिटी है, पैकेजिंग है, सब कुछ बेस्ट थी सच में। बस इसके बाद हम निकल चुके थे हवन की तैयारी करने के लिए, क्योंकि आज 9th डे था तो हवन भी था। हम उसी के लिए ओपले लेने पहुँच गए थे यहाँ पर। और जस्ट लुक एट देम, दे आर सो क्यूट। और इन बस ऐसा लग रहा था कि इन्हें देखते ही रहो, इनकी आँखें कितनी शांत है, ये कितने ज़्यादा क्यूट हैं। आपको पता है इन्हें देख कर क्या आता है दिमाग में, कि हम इनका दूध यूज़ करते हैं, घी, दही, यूरिन, गोबर, सारी चीज़ें। और लास्ट में क्या होता है, कुछ बुरे लोग इनका स्लॉटर कर देते हैं, पता नहीं कैसे कर पाते हैं। आपको पता है इससे हमें क्या सीख मिलती है, कि आप जितने ज़्यादा सीधे रहेंगे लोग आपको उतना ही ज़्यादा परेशान करेंगे, इसलिए ज़्यादा सीधे मत रहिए। ये तो अपने लिए नहीं बोल सकते, लेकिन आप बोल सकते हैं। फिर उसके बाद हम पहुँच गए थे यहाँ मेरी फेवरेट जगह पे। यहाँ के स्वीट्स मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और ये 9 डेज़ में हम ईच एंड एवरी डे यहाँ पे आए ही होंगे। यहाँ पे मैं सारे के सारे स्वीट्स देख रही थी और पापा के लिए मैंने बहुत सारे स्वीट्स लिए, अपनी पसंद के भी और उनकी पसंद के भी। यहाँ के जो मोदक हैं, मतलब बहुत सारी जगह पे अगर आप यहाँ पे मोदक लेंगे तो वो पेंडे वाले मोदक मिलते हैं, अलग अलग कलर्स कर देते हैं बस उनको अलग अलग टाइप का मोदक बताने के लिए, बट वो ओरिजिनल मोदक नहीं होते गाइस। वो बहुत ही ज़्यादा बुरे टेस्ट करते हैं। अगर आपको पता है कि ओरिजिनल मोदक कैसे होते हैं, मैंने टेस्ट किया है और वो बहुत ज़्यादा यम्मी लगते हैं। बस फिर हम उसके बाद पहुंच गए थे यहाँ पे, क्योंकि 56 भोग भी था जो इतने में तो 56 भोग पूरा होने नहीं वाला था। पहुंच चुके हैं एंड टुडे वी आर वेरी टायर्ड। 56 भोग की सारी प्रिपरेशन हो चुकी है, मैं दिखाती हूँ आपको कि आज हमने कितनी सारी शॉपिंग की है। ये ओपन करने के बाद मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। और ये रहे हमारे पप्पा, आज इनके दर्शन नहीं हुए हैं, आप लोगों को कर लीजिए। और ये देखिए हमारी हेल्प कौन कर रहा है, मिस्टर रूट कनाल। और देखिए अब ये कैसे लुक देंगे हमें, जैसे कितना बड़ा काम कर रहे हो। आपको पता है हमने ये जो 56 भोग लिया था, 56 भोग का 68 भोग हो गया था, बट क्या अच्छी बात है ना, भगवान को जितने ज़्यादा अपनी श्रद्धा से खिलाए उतना ज़्यादा अच्छा होता है। और फिर ये देखिए, मुझे तो लगता है पापा से ज़्यादा मेरी ही नज़र है प्रसाद पे। आपको पता है ये सारी की सारी चीज़ें अकेले सिर्फ मैंने, प्रीतेश, अंकित, आदर्श और हार्दिक ने अकेले फिनिश की थी। हाँ, इसमें से थोड़ा पार्ट डोगोस के लिए भी गया था, क्योंकि पापा का प्रसाद उन्हें ना मिले ऐसा कैसे हो सकता है। और थोड़ा पनीर जी को, मैं गिर गई, बनाने में बिजी थी और मेरे से टकरा गई। भोग की सारी तैयारी हो चुकी है और पंडित जी भी आ चुके हैं, वो हमारा वेट कर रहे हैं। हर बार सब पंडित जी का वेट करते हैं, पंडित जी को हमारा ही वेट करना पड़ रहा है, इसीलिए हर बार पंडित जी टाइम पे आते ही नहीं है, लेट करते हैं, क्योंकि हम भी लेट करते हैं। और मैं आपको दिखाती हूँ हमारा 56 भोग। अरे हमारे पापा आज ये सारी चीज़ें खाएंगे। आपको क्या पसंद है इसमें से? हमको तो पसंद है वही रसमलाई। ठीक है। सबसे अच्छी चीज पंडित जी ने पसंद कर ली है, रसमलाई। मेरी नजर थी अब पंडित जी को मिल जाएगा। और पंडित जी आरती भी बहुत अच्छी गाते हैं, मैं आप लोगों को सुनाऊंगी।
एक्चुअली अब तो मुझे याद नहीं है, पर पंडित जी ने पूजा स्टार्ट करवा दी थी और हमने ये स्टार्ट कर दी है पूजा। और अंकित तो पीछे वीडियो बना रहा था, मम्मा पापा भी आ चुके थे। और सच में गाइस बहुत ज़्यादा बुरा फील हो रहा था क्योंकि गणपति पापा के जाने का टाइम आ चुका है, वो चले जाएंगे, बट ये प्रसाद वो मेरे सारे डॉग्स को दे के जाएंगे। इस प्रसाद में पक्का उनका आशीर्वाद होगा कि मेरे सारे के सारे डॉग्स हमेशा हैप्पी और हेल्दी रहें और मैं रोज़ इन्हें खाना दे सकूं। काश इन्हें भी कोई ऐसी और स्किल आती जिससे वो अपना खाना खुद बना सकते या खुद खरीद सकते।